आज 17वीं लोकसभा के समापन पर मैं मेरी जमुई की जनता जिन्होंने पिछले 10 सालों से मुझ पर विश्वास किया आप सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं। आपकी वजह से ही मुझे जमुई लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला। पिछले 10 साल से निरंतरता में मेरा प्रयास रहा कि इस सदन में जमुई से जुड़े हुए विषयों को ज्यादा से ज्यादा मैं उठा सकूं। आप लोगों ने मुझे एक राजनीतिक पहचान दी। जमुई की जनता की वजह से ही प्रदेश भर में मेरी पहचान हुई। आप लोगों की वजह से ही बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जिस विजन के साथ मैं बिहार को एक विकसित राज्य बनाना चाहता हूं उस विजन को मैं घर घर तक पहुंचाने में मैं कामयाब रहा। जमुई एक तरफ जहां मेरी कर्म भूमि है तो वहीं आप लोगों ने मुझे नेता नहीं बेटा समझकर अपना आशीर्वाद दिया। आज राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के स्तर पर जहां पर भी जाता हूं मेरी पहचान में से महत्वपूर्ण जमुई का सांसद जब लोग कहते हैं तो खुद को भी गर्व की अनुभूति होती है। मैं नहीं जानता आने वाले दिनों में पार्टी क्या फैसला लेती है पर इतना विश्वास मैं अपनी जमुई की जनता को मैं जरूर दिलाता हूं कि जब तक रहूंगा आप लोगों के लिए कार्य करता रहूंगा। एक नेता बनकर नहीं एक बेटा बनकर सदैव आप लोग ले रहूंगा। मेरे इस जर्नी के दौरान जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा साथ दिया पिछले 5 साल मेरे लिए भी काफी कठिन रहे काफी उतार चढ़ाव भरे रहे। एक तरफ राजनीतिक परिस्थितियां थी जो मेरे विरुद्ध जा रही थी वहीं पारिवारिक एक के बाद एक जिस तरीके से घटना चक्र घटा जिस तरीके से मैंने अपने पिता को खोया परिवार में कई तरीके की बातों का सामना मुझे करना पड़ा पर उन तमाम परिस्थितियों में आप सब ने चट्टान की तरह मेरा साथ दिया। मैं मेरी जमुई की जनता का एक बार दिल से आभार प्रकट करता हूं और पुनः ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं जब तक रहूंगा तब तक आप लोगों के लिए कार्य करता रहूंगा। मुझे प्यार और आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही सदैव मेरा मार्गदर्शन करते रहें। जय बिहार जय जमुई।